देश को 34 साल बाद नई शिक्षा नीति मिली है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने अपने शासन के 10 सालों में शिक्षा नीति पर सिर्फ चर्चा ही की है और समय हाथ से निकल गया। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकताओं के अनुसार जिन क्रांतिकारी कदमों को उठाने का संकल्प लिया है उसका छात्र, अध्यापक, माता पिता और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक की लगभग सभी राज्य सरकारों ने स्वागत किया है। लेकिन कांग्रेस और उसके पत्रकारों व बुद्धिजीवियों की गैंग ने नीति में भाषा का खोट निकाल लिया। कांग्रेस की कार्य संस्कृति रही है कि इस देश में पश्चिमी सभ्यता को अपनाने का माहौल बना रहे और उसके लिए पहली शर्त यही है कि प्राइमरी से उच्च स्तर तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही हो। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा की पुरानी व्यवस्था 10+2+3 को बदलते हुए 5+3+3+4 कर दिया है। इस नई व्यवस्था में पहले के 5 साल बच्चे के लिए प्राइमरी शिक्षा के साल होंगे जिसमें अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य नहीं रह गया है। अब बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसके साथ ही संस्कृत भाषा को पढ़ने और पढ़ाने पर भी विशेष बल दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कहना है कि हर बच्चे को अंग्रेजी पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर बच्चे ने अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ी है तो वो विदेश में जाके नौकरी नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेत्री खुशबू सुंदर ने मंदबुद्धि राहुल को ठेंका दिखाते हुए ट्वीट किया कि नई शिक्षा नीति 2020 पर मेरा स्टैंड मेरी पार्टी से अलग है और मैं इसके लिए राहुल गांधी से माफी मांगती हूं, लेकिन मैं कठपुतली या रोबोट की तरह सिर हिलाने के बजाय तथ्यों पर बात करती हूं। अपने नेता से हम हर चीज पर सहमत नहीं हो सकते लेकिन बतौर नागरिक बहादुरी से अपनी राय या विचार रख सकते हैं। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा कि राजनीति महज शोर मचाने के लिए नहीं है, इसके बारे में मिलकर साथ काम करना है और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इसे समझना होगा। बतौर विपक्ष हम इस पर विस्तार से देखेंगे और खामियों को इंगित करेंगे। भारत सरकार को नई शिक्षा नीति से जुड़ी खामियों को लेकर हर किसी को विश्वास में लेना चाहिए। नई शिक्षा नीति के बारे में अपने एक अन्य ट्वीट में खुशबू सुंदर ने कहा कि मैं सकारात्मक पहलुओं को देखना पसंद करती हूं और नकारात्मक चीजों पर काम करती हूं। हमें समस्याओं के समाधान की पेशकश करनी है न कि केवल आवाजें बुलंद करना। विपक्ष का मतलब देश के भविष्य के लिए काम करना भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है नई शिक्षा नीति पर कमेंट करके जरूर बताएं और खुशबू सुंदर के विचारों पर आप क्या कहेंगे ये भी आप जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।